नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम सब लोगों का मनपसंद हलवा चने की दाल का हलवा बनाएंगे। तो आइए देखें, चने की दाल का हलवा बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। चने की दाल आधा कप, जो हमने धो करके पानी में 3-4 घंटे भिगो ली है। मावा आधा कप, दूध 3/4 कप, चीनी आधा कप, घी 1/3 कप, काजू 2 टेबल स्पून, बादाम 1 टेबल स्पून, किशमिश 1 टेबल स्पून और छोटे इलायची 4-5। तो हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम चने की दाल को उबालेंगे। चने की दाल हम कुकर में डाल देंगे। और थोड़ा सा आधा कप पानी डाल देंगे। दाल को हम 1 सीटी आने तक उबाल लेंगे कि दाल नरम हो जाए थोड़ी। और जब तक दाल में सीटी आती है, तब तक हम हलवा के लिए ड्राई फ्रूट काट के तैयार कर लेते हैं। 1 काजू के 4-5 टुकड़े करते हुए काट लेंगे। ये कुकर में सीटी आ गई है और अब हम गैस बंद कर देते हैं और थोड़ी देर में जैसे ही प्रेशर ख़त्म हो जाएगा कुकर का, कुकर खोल लेंगे। ये कुकर खोल लेंगे हम। दाल उबल गई है और दाल को हम निकाल लेंगे और ठंडा करने के बाद दरदरी पीस लेंगे, हल्की दरदरी पीस लेंगे। तो दाल हम निकाल लेते हैं पानी में से। इस दाल को हम दरदरी पीस लेते हैं। ये चने की दाल को हमने बिना पानी डाले पीस लिया है। हल्का दरदरा, एकदम से बारीक नहीं करेंगे। इस दाल को अब हम भूनेंगे। कढ़ाई में घी डाल लेंगे, थोड़ा सा घी बचा के। ये इतना घी हमने बचा लिया है, इसे हम हलवा बनने के बाद डालेंगे ताकि हलवा बहुत अच्छा दिखता है। ये घी मेल्ट हो गया। घी में दाल डाल देंगे और लगातार चलाते हुए हम दाल को भूनेंगे। ये दाल हमारी काफ़ी कुछ भून गई है और अब हम इसमें मावा मिलाकर और भून लेते हैं। बिल्कुल लगातार चलाते रहेंगे और गैस भी ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे। हलवा मीडियम आग पर दाल को भूनेंगे। ये दाल और मावा अच्छे से भून गए हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, घी छोड़ने लगे हैं, कढ़ाई से भी नहीं चिपक रहे हैं, इसलिए हमें मालूम पड़ जाता है। और कलर भी एकदम अच्छा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें दूध डाल देंगे और चीनी डाल देंगे। और हलवे को अच्छा गाढ़ा होने तक पका लेंगे। गैस मीडियम ही रखेंगे। ये हलवा में हम काजू डाल देंगे। किशमिश डाल देंगे, मिक्स कर देंगे अच्छे से। हलवा बनके तैयार हो गया है और अब हम हलवा में इलायची पाउडर डाल देंगे, मिक्स कर देंगे और ये घी भी डाल देंगे। और अब हलवे को बिल्कुल सिम पे 2-3 मिनट और बनने देंगे। ये हलवा हमारा तैयार हो गया है।
हलवा हमने प्लेट में निकाल लिया और हलवे को हम ड्राई फ्रूट डाल करके सजा देते हैं। गर्मा गर्म चने की दाल का स्वादिष्ट हलवा तैयार है। आप चने की दाल का हलवा बनाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं nishamadhulika.com पर।